नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की जेल के जेल अधीक्षक मिजाजी लाल के मिजाज लगातार अपना तेवर दिखा रहे हैं। पहले जिला जेल में बंदियों की प्रतिभा उजागर करने को सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए, फिर महिला बंदी की बेटी को का जन्मदिन मनाया, तो अब जेल के अंदर सत्संग करा डाला, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि बंदियों को अपसाद से दूर, आपराधिक सोच से दूर और आध्यात्म की ओर ले जाया जा सके। जेल में सत्संग सुनकर बड़ा अजीब सा लगता है, मगर यह हकीकत है, क्योंकि बुलंदशहर के जिला जेल के अधीक्षक मिजाजी लाल ने जेल में बंद बंदियों को सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। जेल अधीक्षक मिजाजी लाल की माने तो व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता है, उसे हालात और परिस्थिति अपराध की ओर ले जाती है, मगर यह सकारात्मक तरीके से आपराधिक सोच को खत्म करने का प्रयास किया जाए तो व्यक्ति अपराध के बारे में सोचेगा भी नहीं, जिसकी कवायद में जेल अधीक्षक मिजाजी लाल लगे हुए हैं, जिसमें सत्संग उपनिदेशक सुरेंद्र कुमार शर्मा द्वारा ईश्वरी सत्ता का सर्वव्यापकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जेल अधीक्षक मिजाजी लाल, उप जेलर रीरज कुमार श्रीवास्तव, उप जेलर हरेंद्र कुमार राठी, उप जेलर श्रीमती कृष्णा व स्टाफ मौजूद रहा। कारागार में बंदरियों के मानसिक और उनके आध्यात्मिक विचारों के परिमार्जन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। योगा, प्राणायाम और सत्संग के कार्यक्रमों द्वारा बंदियों के विचारों का शुद्धिकरण कराने का प्रयास किया जाता है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संस्था रूहानी समूह के श्री सुरेंद्र कुमार जी के द्वारा आज कारागार में योग और सत्संग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की विशेष बात ये रही कि इसमें सभी धर्मों के बंदियों द्वारा, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य धर्म के बंदी हों, सभी ने सम्मिलित रूप से पूरे उत्साह के साथ सत्संग का आनंद लिया और योग कार्यक्रम में भागीदारी की।